जगन्नाथ पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की काष्ठ यानी लकड़ी की मूर्तियां हैं। जगन्नाथ मंदिर देश का अनोखा मंदिर है जिसमें लकड़ी की मूर्तियां हैं। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर देश और विदेशों में बहुत ही मशहूर है। जब भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है तो इसे देखने के लिए देश और विदेश से लाखों लोग जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इस मंदिर से जुड़े बहुत सारे ऐसे रहस्य भी हैं जो कि अनसुलझे हैं और सदियों से रहस्य बना हुआ है। इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ से जुड़ी अनसुलझे रहस्यों को बताया जाएगा। रहस्य नंबर एक, भगवान जगन्नाथ मंदिर की तीनों मूर्तियों को 12 सालों में बदला जाता है जो काष्ठ यानी लकड़ी की बनी हुई होती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पुराने मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर से एक प्रकार का पदार्थ निकाला जाता है जिसे लोग ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। फिर उस ब्रह्म द्रव्य को भगवान जगन्नाथ की नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को बहुत ही गोपनीय रखा जाता है, यानी पूरे मंदिर परिसर को खाली करा दिया जाता है। मंदिर और शहर की बिजली को काट दी जाती है। उसके बाद अंधेरे में पुजारी की आंखों में पट्टी बांधकर, फिर दस्ताने पहनाकर उसके बाद मूर्ति को बदलने के लिए भेजा जाता है। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है और कैसा है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। जो पुजारी भगवान जगन्नाथ जी के मूर्ति को बदल चुके हैं उनमें से कुछ ने बताया है कि मूर्ति के अंदर का ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेने पर वह कुछ उछलता हुआ मालूम होता है, जैसे कोई खरगोश उछलता हो। इस बारे में लोगों की मान्यता यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया गया था तो उनके शरीर का एक हिस्सा बच गया था, बाकी शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था। वह हिस्सा हृदय था जो कि बिल्कुल सुरक्षित था और धड़क रहा था। कहा यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का यही हृदय भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर है। रहस्य नंबर दो, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थित है। मंदिर के अंदर समुद्र के लहरों की ध्वनि साफ सुनाई देती है। लेकिन एक रहस्य की बात यह है कि मंदिर का एक द्वार जिसका नाम सिंह द्वार है, उस द्वार से बाहर तो समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही कदम उस द्वार के अंदर मंदिर में रखा जाता है वैसे ही समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देनी बंद हो जाती है। जैसे ही पैर वापस पीछे की तरफ रखा जाता है तो फिर समुद्र के लहरों की आवाज आने लगती है। यहाँ एक और रहस्य की बात है कि मंदिर से कुछ दूरी पर चिताओं को जलाई जाती है तो सिंह द्वार से पहले उसकी गंध महसूस होती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर पैर रखा जाता है तो वह गंध आनी बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है यह रहस्य की बात है। रहस्य नंबर तीन, आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी भी मंदिर, मकान, पेड़ पौधे या मनुष्य के शरीर की परछाई हमें जरूर नजर आती है, लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर जो कि 4 लाख फीट एरिया में फैला है, मुख्य मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, इसके बावजूद भी मंदिर की परछाई आज तक किसी को भी दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है यह एक बड़ा रहस्य है। रहस्य नंबर तीन, भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है। इसका रहस्य यह है कि इस सुदर्शन चक्र को मंदिर के किसी भी भाग से देखे तो सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी तरफ ही नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है यह भी एक रहस्य है। रहस्य नंबर चार, भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक बहुत ही बड़ा झंडा लहराता रहता है, लेकिन इस झंडे को प्रतिदिन शाम को बदला जाता है। इसका कारण यह है कि यह माना जाता है कि अगर प्रतिदिन इस झंडे को बदला नहीं जाएगा तो यह मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी झंडे को लेकर एक दूसरा बड़ा रहस्य यह है कि यह झंडा हवा के बहाव के विपरीत लहराता है, जो कि बड़े आश्चर्य की बात है। रहस्य नंबर पाँच, आमतौर पर किसी भी मंदिर या इमारत की चोटी पर बहुत सारे पक्षी या तो बैठे हुए या उड़ते नजर आते हैं, जो कि बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर या आसपास आज तक कोई भी पक्षी को बैठते या उड़ते हुए नहीं देखा गया। मंदिर के ऊपर आकाश में या मंदिर के शिखर के आसपास किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। ऐसा क्यों होता है यह एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। मंदिर के ऊपर पक्षियों के ना उड़ने की वजह से ही हेलीकॉप्टर या दूसरे हवाई जहाज के उड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। रहस्य नंबर छह,
भगवान जगन्नाथ मंदिर का रसोई बहुत ही बड़ा है और यह दुनिया के बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइये अपने 300 सहायकों के साथ भगवान के भोग व प्रसाद की तैयारी करते हैं। इस रसोई से जुड़ा हुआ एक रहस्य यह है कि इस रसोई का प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कभी लाखों की संख्या में भक्त क्यों ना आ जाए। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, यानी कि भगवान के सभी भक्तों को प्रसाद मिल जाता है और प्रसाद व्यर्थ भी नहीं होता है। ऐसा कैसे होता है, यह भी एक रहस्य है। रहस्य नंबर 7, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। इन 7 बर्तनों को आग की लकड़ी के ऊपर एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर का बर्तन जो 7वें नंबर का होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद 6ठे, 5वें, 4ठे, 3रे, 2रे या 1ले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। ऐसा क्यों होता है, यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस प्रकार यह देखने में आता है कि भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर अपने कई विशेषताओं के लिए तो मशहूर है ही, दुनिया भर के लोगों के कौतूहल का विषय भगवान जगन्नाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्यों को लेकर है, जो कि सदियों से अनसुलझे हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की विशेषताएं और रहस्य देश और विदेश में लोगों के आकर्षण और कौतूहल का कारण बना हुआ है। अपने जीवन काल में हर हिंदू को एक न एक बार भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्र जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को और लोग भी देख सके इसके लिए इसे शेयर करें, और इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे कृष्ण।